Hello everyone, this is Ashish Jain. In this lecture video, we are doing some more examples of process costing. So, हम इस वीडियो लेक्चर में थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करेंगे एंड इससे आपके प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू थ्री प्रोसेसेस ए बी एंड सी. द नॉर्मल वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेसेस is as follows. Process A 3%, process B 5%, process C 8%. Wastage of process A was sold at 25 paisa per unit, that of process B 50 paisa per unit, and process C rupee 1 per unit. 10,000 units were issued to process A in the beginning of October 2020 at rupee 1 per unit. The other expenses are as follows: direct material, net labor, and direct expenses of each process. Actual output: process A 9500, process B 9100, process C 8100. Prepare process account assuming that there were no opening and closing stock. Also give the abnormal wastage and normal effective accounts. देखिए, आपको वैसे देखिए क्वेश्चन तो काफी सिंपल लग रहा होगा कि यहाँ पर देखिए साफ क्लियर मेंशन है कि यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है. तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया बिकॉज हमें सिर्फ तीन प्रोसेस बनाने हैं. पर यहाँ पर अब इन्होंने बोल दिया है कि ऑल्सो गिव दी एबनॉर्मल वेस्टेज एंड नॉर्मल इफेक्टिव वेट. पूरा इफेक्टिव बताना है कि ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ. तो मेन जो कंसर्न हमारे उस पर ही रहेगा कि हम इसको मीन्स हमें यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इफेक्टिव एंड एज वेल एज नॉर्मल लॉस तीनों अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे ताकि हमें ओवरऑल इफेक्ट पता कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ. ठीक है, तो पहले तो हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, जैसे बनाएंगे अब तक वैसे बनाएंगे. तो पहले क्या कहते हैं कि प्रोसेस वन में 10,000 यूनिट्स जो है इंट्रोड्यूस हुई है एट रुपी वन. तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10,000. ठीक है, देन आपका एक्सपेंसेस इनको है डायरेक्ट मटेरियल, नेट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फिर नॉर्मल हुआ लॉस, दैट इज 3% इन प्रोसेस ए एंड दैट हैव बीन फेच एट रुपीज 25 पैसा पर यूनिट. तो करते देखिए फोर क्वेश्चन नंबर 4 को. यहाँ लिखेंगे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, टेन थाउजेंड यूनिट्स एट रुपीज 1 पर यूनिट. खर्चा देखिए क्या क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल में हुआ, डायरेक्ट लेबर में हुआ एंड डायरेक्ट एक्सपेंस में भी हुआ. डायरेक्ट मटेरियल में 1,000, 5,000 एंड 1,050. ये हो गया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस देखिए कितना होगा, 3%, 3% ऑफ व्हाट, 3% ऑफ 10,000, दैट इज 300 यूनिट्स. ठीक है, एंड इसको देखिए सोल्ड कर दिया एट रुपीज 25 पैसा पर यूनिट. सो यहाँ पर लिखेंगे एट द रेट 0.25 पैसा. कितने में आ गए, 75 में इसको सोल्ड कर दिया. ठीक है, इसका हमें आउटपुट भी गिवन था. देखिए आउटपुट कितना था, दैट इज इन प्रोसेस ए 9,500. सो यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी कितना कर रहे हैं, 9,500. ठीक है, तो अब देखें टैली करते हैं. देखिए यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस कब आ रहा है, कितना आ रहा है, 9,800. दैट मीन्स एडिशनल लॉस कौन सा हुआ, दैट इज एबनॉर्मल लॉस. ठीक है, कितना हो गया वो 200. तो टोटल कर लेते हैं 10,000, 17,050. ठीक है, चलिए कॉस्ट पर यूनिट हम एक साथ नहीं कर लेंगे, पहले हम आगे भी कर लेते हैं. फ्रॉम प्रोसेस ए कितनी यूनिट आएगी, दैट इज 9,500. प्राइस अभी हम निकाले लेंगे. खर्चा देखिए क्या क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्या क्या खर्चे हुए, कितने कितने हुए, 1,500, 8,000 एंड 1,188.
इसमें देखिए नॉर्मल लॉस हुआ कुछ, नॉर्मल लॉस कितना परसेंट होता है इसमें, दैट इज 5%, 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ 9500 कितना आएगा, दैट इज 475। ठीक है, एंड इसको सोल्ड कर दिया 50 पैसा पे, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ एट ₹50। ठीक है, सो दैट मीन्स कितना अमाउंट मिलेगा, राउंड ऑफ कर देते हैं 238 में। ठीक है, इसका आउटपुट देखिए कितना है, 9100। सो आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट 9100। ठीक है, अब आई थिंक यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, दैट इज 9775। तो वो बाकी जो 75 वो क्या आ गया आपका, एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल इफेक्टिव। कितने पे हुआ वो भी निकालेंगे थोड़ी देर में। अब फ्रॉम प्रोसेस बी 9100 करेंगे, अमाउंट अभी निकाल लेंगे। खर्चा हुआ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500, 6500, 2009। इसमें देखिए नॉर्मल लॉस कितना हुआ था, दैट इज 8%। सो 8% ऑफ किसका आएगा, दैट इज 9100। सो नॉर्मल लॉस ये रहेगा 728। इसको बेचा कितने पे है, ₹1 पे, सो 728 ही आएगा। तो इसका आउटपुट कितना है प्रोसेस सी का, ये तो फिनिश गुड्स ही आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 8100। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको कुछ एबनॉर्मल लॉस होगा, बिकॉज यहाँ पर टोटल आ रहा है 9100। सो बैलेंस फिगर आ रही है आपकी यहाँ पर 272। ठीक है, अब एक एक करके हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं सबकी। यूनिट ऑफ प्रोसेस ए कैसे निकालते हैं, कितना खर्चा होगा टोटल, दैट इज 17050। एंड 75 का जो नॉर्मल लॉस हुआ उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। टोटल हमने यूनिट्स एक्सपेक्ट करी थी 10,000 और उसमें से नॉर्मल लॉस, ठीक है, यही किया था हमने। तो ये आ जाएगा आपका 1.75 पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस सीखेंगे अब, एट द रेट 1.75। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ₹35। सिक्सटीन थाउजेंड 625, यही अमाउंट अब प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो जाएगा, 16,625। अब यहाँ पर नॉर्मल इफेक्टिव का हम कॉस्ट पर निकालेंगे, सेम वही प्रोसीजर, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस बी। हमने कितना खर्चा एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर टोटल करना होगा हमें, यहाँ पर ये जो टोटल आएगा दैट इज 27,538। इसमें से एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल लॉस निकाल लेते हैं 238। टोटल जो आपका आ रहा है ये आएगा 9500, लेस करेंगे 475 से।
तो ये आ जाएगा आपका ₹3 पर यूनिट। तो बस अब जो आपका नॉर्मल जो आएगा दैट इज ₹3 पर यूनिट। सो 75 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज 225। तो इसका टोटल आ जाएगा 27,538 एंड ये आ जाएगा 27,300। अब इसका भी हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो इसका जो टोटल जो आ रहा है, टोटल कर लेते हैं इसका, दैट इज 36,309। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस सी ₹36,309 लेस एबनॉर्मल लॉस 9,100 लेस 728 विच कम्स टू अमाउंट ऑफ ₹4.25 पर यूनिट। तो ये आपका पास आ जाएगा 1,156 34,425। ठीक है। सो हमने ये तीनों प्रोसेस अकाउंट वाली ए बी एंड सी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था कि हमें ओवरऑल इफेक्टिव लेना है, तो हमें यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस तीनों अकाउंट पे करने हैं। कैसे करने हैं बोल दीजिए। देखिए पहले हम बना रहे एबनॉर्मल लॉस। तो देखिए एबनॉर्मल लॉस कहाँ कहाँ पे इफेक्ट हुआ था। एबनॉर्मल लॉस हुआ था प्रोसेस ए में एंड प्रोसेस सी में। तो कितना अमाउंट लिखेंगे, बस जहाँ क्रेडिट लेकर उसको डेबिट कर देंगे, तो 235 लिखेंगे। प्रोसेस ए में आया था आपका ₹200 पे आया था, सॉरी ये 350 होगा, 350 पे आएगा। फिर प्रोसेस सी में आया था दैट इज 272। ठीक है। अब यहाँ देखिए देखिए ये एबनॉर्मल लॉस हुआ प्रोसेस एस में, कितने यूनिट, 200 यूनिट हुई है। ये एबनॉर्मल लॉस हुआ डेट मीन्स अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ। तो अगर इसको मार्केट में बेचेंगे तो वो कितने बेचोगे, तो इसकी तो कॉस्ट पे बेचोगे। ठीक है। तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट हम कितनी हमने निकाली है। देखिए प्रोसेस ए में हमने कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकाली, दैट इज 1.75। ठीक है। तो उसी के हिसाब से बेचोगे आप। तो उसको सॉरी नॉर्मल लॉस, सॉरी 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 नॉर्मल लॉस उसका कितना था, दैट इज 25 पैसा। तो उसी के हिसाब से बचोगे स्क्रैप। तो ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एबनॉर्मल लॉस जितना भी हुआ प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब मार्केट में बेचेंगे तो एज ए स्क्रैप ही बेचे गए, एज ए स्क्रैप ही बेचेंगे ना इसको। तो हम एडिशनल लॉस हुआ तो एज ए स्क्रैप बेचेंगे, तो वो कितने बेचेंगे, जितने हमें वैल्यू गिवन है नॉर्मल लॉस की उसी के अकॉर्डिंग बेचेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल ऑफ प्रोसेस ए 200 यूनिट बेच रहे हैं हम, कितने पे, 25 पैसा पे। तो ये 50 आ गया, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.25। अब देखिए प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस रुपीज़ कितना था, ₹1। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे सेल ऑफ प्रोसेस सी 272 एट ₹1, दैट इज 272। अब ये होगा आपका ओवरऑल, ये आपका जितना भी ट्रांसफर हो जाएगा सारा किसमें, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में, जो बैलेंस भी दैट इज 1,184।
ठीक है, ये था आपका एबनॉर्मल लॉस। अब ऐसे ही हम एबनॉर्मल गेन करेंगे। एबनॉर्मल गेन हमारा सिर्फ एक ही में था, दैट इज प्रोसेस बी में था वो, तो वो डेबिट में लिखा हुआ था, यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे। प्रोसेस सी में आएगा, सेवेंटी फाइव यूनिट सी टू ट्वेंटी फाइव पे। अब इसको बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, सेल ऑफ प्रोसेस सी, ठीक है। देखिए वैसे नॉर्मल गेन को ना हम एबनॉर्मल गेन को हम नॉर्मल लॉस से एडजस्ट करते हैं, तो उसको हम नॉर्मल लॉस में करते हैं। अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, क्यों लिखा मैंने नॉर्मल लॉस यहाँ पे। मीन्स इसको बेचने जा रहे हैं एट नॉर्मल लॉस रेट पे, कितनी यूनिट बेचने जा रहे हैं हम, 75 पे। अब प्रोसेस, सॉरी यहाँ प्रोसेस बी आया है, प्रोसेस बी में एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल लॉस कितना था, दैट इज 50 पैसा, तो यहाँ करेगा 38, रेस्ट विल ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। अब यहाँ देखिए नॉर्मल लॉस का इफेक्ट देखिए, तीनों ही प्रोसेस में था। प्रोसेस ए में कितना था, 375 अमाउंट पे फ्रॉम प्रोसेस ए। प्रोसेस बी में देखिए नॉर्मल लॉस कितना था, 475 अमाउंट इन रुपीज 238। प्रोसेस बी, प्रोसेस सी में देखते हैं अब, सेवन ट्वेंटी एट। ठीक है, अब इसको भी हम देखिए बेचने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रोसेस ए में क्या है, यहाँ पर लिखेंगे सेल ऑफ प्रोसेस ए, तो ये तो आपका वही नॉर्मल के हिसाब से निकल जाएगा, आपको आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। सेल ऑफ प्रोसेस सी, मैंने सी पहले लिखा भी, थोड़े दिन पता लगेगा, तो इसको भी हम नॉर्मल जो भी रेट है उसी भी सेल ऑफ करेंगे। अब सेल ऑफ प्रोसेस बी, देखिए प्रोसेस बी में एक्चुअली में नॉर्मल लॉस तो कितना, 475, लेकिन एबनॉर्मल गेन हुआ था यहाँ पर 75 यूनिट्स का। यहाँ देखिए 75 यूनिट्स की आपको एबनॉर्मल गेन हुआ था प्रोसेस बी में, तो एक्चुअल में नॉर्मल लॉस हुआ कितना आपको, 400 यूनिट्स का तो हुआ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब बेचने जाओगे तो 400 यूनिट बेचोगे, बेचने जाओगे तो इतने में करोगे, इसकी कॉस्ट पर यूनिट देखिए कितनी थी, 50 पैसे की। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 200, ठीक है, एंड रेस्ट जो था आपका दैट इज यहाँ पर देखिए, अब ये जो मैंने अमाउंट लिखा था ना अपन नॉर्मल लॉस, ये अब यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर 75 कितने पे, 38 रुपीज़ में। ये आ जाएगा एबनॉर्मल गेन, बस आपका ये सारा टैली हो जाएगा। दैट्स इट। तो इस तरह से आपको जो नॉर्मल लॉस से सारे इफेक्ट देखना है, बस आपको देखना है सारी जहां पर डेबिट में लिखा है उसको क्रेडिट करना है, जो क्रेडिट लिखा है उसको डेबिट लिखना है, उसके बाद सेल करना है एज पर नॉर्मल लॉस जो भी रेट है उस क्रेडिट में उसको सेल करना है। अगर एबनॉर्मल लिया तो उसको इफेक्टिव इस तरह से लेना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6।
There were limited processes, patent material used in building. The material produced is three consecutive grade, namely soft, medium, and hard. Figures relating to production of for the first 3 months, for the first 6 months of 2020, as follows. Process 1 mein raw material used was 1000 tons, cost per ton had 200, manufacturing wages expenses were weight loss was 5% ka. स्क्रैप जो सोल्ड किया दैट मीन्स नॉर्मल लोग जितना भी उसको बेचा कितने पे ₹50 पर टन के हिसाब से और नॉर्मल लॉस का हमें यूनिट बता भी दी कितनी हुई है 50 टन लेकिन वेट लॉस और नॉर्मल लॉस वैसे एक ही होते हैं लेकिन वेट लॉस का क्या होता है कि हम उसको बेच नहीं सकते हैं जैसे देखिए मान लीजिए कोई एक लाइक ट्रक है पेट्रोलियम का टैंक है वो गया फ्रॉम वन पेट्रोल पम्प टू अनदर पेट्रोल पम्प ठीक है अब जो उनके बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा तो पेट्रोल धीरे धीरे क्या वो इवेपोरेट होगा और जब इवेपोरेट होगा तो कुछ वेट लॉस होगा ठीक है लेकिन कुछ यूनिट्स या कुछ क्वांटिटी जो भी वेट लॉस हुआ क्या आपने उसको सेल ऑफ करा नहीं तो उसकी तो आपका आप कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते आपको ये तो पता है कि वेट लॉस कितना हुआ बट उससे आपको कुछ अमाउंट रिकवर नहीं हुआ सो ऑल्दो इट्स अ नॉर्मल लॉस बट यू कांट estimate its cost or you can't recover any amount from this from the weight loss ठीक है बाकी 50 टन के हिसाब से 50 टन जो है वो बेच दिए तो ये तो नॉर्मल लॉस है सेल प्राइस पर टन ₹350 सेल प्राइस पर टन अच्छा यानी कि कुछ यूनिट्स जो वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो अगर उसके बाद भी कोई यूनिट बच जाती है तो उसको सेल कर रहे हैं कितने 350 पर टन के हिसाब से आगे देखिए पैराग्राफ में लिखा हुआ है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 17,500 सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 4,000 टू थर्ड ऑफ प्रोसेस वन एंड वन हाफ ऑफ प्रोसेस टू आर पास टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड द बैलेंसेस आर सोल्ड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट इन अ सुटेबल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन टू द डायरेक्टर्स एज एट देयर बोर्ड मीटिंग व्हेन द प्रोडक्शन पॉलिसी ऑफ द कंपनी विल बी डिस्कस्ड यानी कि हमें सारे ये जो आपको जो एडिशनल जो एक्सपेंसेस गिवन है लाइक मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इन सब का भी इफेक्टिव हमें लेना पड़ेगा ठीक है तो पहले तो नॉर्मली हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम प्रोसेस पॉइंट बनाते थे पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुई है 1000 कितने रुपये पे ₹200 तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड दोस्तों के हिसाब से होगा दैट इज कितना आएगा 2 लाख और उसके बाद देखिए क्या क्या खर्चा हुआ मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 72,500 अब कुछ और तो एक्सपेंस हुआ नहीं बट यहाँ पर क्या हुआ वेट लॉस हुआ कितना होगा ये 5% दैट मीन्स 50 यूनिट बट इससे कुछ अमाउंट रिकवर नहीं हुआ उसके बाद नॉर्मल लॉस हुआ कितना हुआ लिखा हुआ यहाँ पर 50 स्क्रैप सोल्ड किया ₹50 पर टन पे कितने टन 50 टन तो यहाँ पर कितना आएगा 50 अमाउंट आ गया 2500 ठीक है अब यहाँ पर बोले देखिए कि टू थर्ड ऑफ प्रोसेस वन जो है ट्रांसफर कर रहे हैं नेक्स्ट में टू थर्ड किसका देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यूनिट्स कितनी इंट्रोड्यूस की थी 10,000 50 हो गए नॉर्म वेट लॉस 50 हो गए नॉर्मल लॉस तो कितना रह गया ये आपका रहेगा दैट इज जस्ट अ मिनट सॉरी ये It's not 10,000, it's only 1,000. So that means इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 900 इसका टू थर्ड जो है ट्रांसफर कर दे नेक्स्ट में सो उसका टू थर्ड कितना होगा 600 सो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट ट्रांसफर टू
नेक्स्ट प्रोसेस कितने यूनिट करिए 600, तो बाकी अभी भी देखिए 300 हो गए, 300 का कर उसको बेच दिया। सर इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेल प्राइस पर टन 350 पे बेचा उसको, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 350 दैट इज 1,05,000। तो टोटल कर देते हैं अब 1,000, 2 लाख, 1 मिनट। अच्छा अभी हमें तो ये भी देखना है कि आउटपुट जो ट्रांसफर किए हैं वो कितने पे किए हैं, अभी तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो उसका हमें कॉस्ट पर टन निकालना पड़ेगा इस केस में हमें। तो देखिए कॉस्ट पर टन कैसे निकालेंगे, 2,72,000 मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, माइनस हम क्या करेंगे नॉर्मल लॉस की वैल्यू 2,500, डिवाइड करेंगे इसको हम 1,000 माइनस 100, तो ये आपका आ जाएगा 300 पर यूनिट। तो जो हम आउटपुट जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो कितने अमाउंट पे कर रहे हैं, 300 पर यूनिट पे, तो ये रहेगा आपका 1,80,000। ठीक है, सो ये आ जाएगा 1,000, इसका टोटल आपका आ जाएगा 2,87,500। यहाँ पर देखिए कुछ बैलेंसिंग फिगर रहेगी, दैट मीन यहाँ पर जो है हमें एक तरह से फ़ायदा हो गया 15,000 का, उसको हम कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब प्रोसेस टू में जाते हैं, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम प्रोसेस बी 600 यूनिट 1,80,000। यहाँ पर देखिए वेजेस पे खर्चा हुआ कितना हुआ, 40,800। यहाँ पर भी कुछ वेट लॉस हुआ था, फिर नॉर्मल लॉस, फिर कुछ यूनिट हम ट्रांसफर करेंगे, और कुछ यूनिट हम सेल करेंगे। तो देखिए कितना नॉर्मल लॉस हुआ यहाँ पर, 10%, सॉरी वेट लॉस, यहाँ पर 10% वेट लॉस, 16 यूनिट, इसकी तो कोई कॉस्ट मिलेगी नहीं। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट हुआ, दैट इज अच्छा टन में देखा 30 टन नॉर्मल लॉस हुआ, उसको बेचा कितने पे, 50 रुपये के हिसाब से कितना हुआ 1,500। कितनी यूनिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 1/2, तो 1/2 कितनी रह गई, दैट मीन्स 510, दैट मीन्स 275 तो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, 255 हमें सेल कर दी। अच्छा सेल हम कितने पे कर रहे हैं इसमें, हम 500 रुपये में, तो ये आ जाएगा 1,27,500। ठीक है, अब पहले हम इसकी भी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, मैं फिर से डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू लैख 19,300 डिवाइड बाय 510 विच कम्स टू 430 पर यूनिट। तो 255 मल्टीप्लाई बाय 430, तो ये आ रहा है आपके पास 1,03,615। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका आई थिंक टोटल आपका आ जाएगा ये 2,32,650, ये तो 600 ही आ जाएगा।
अब पर भी देखिए हमें एडिशनल जो प्रॉफिट हो गया सो उसको हम कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना आए 17,850 फ्रॉम प्रोसेस बी 255 1,03,650 वेजेस 10,710 वेट लॉस नॉर्मल लॉस एंड रेस्ट इज फिनिश गुड्स। वेट लॉस कितना हुआ था यहाँ पर 20% 20% और 255 दैट इज 51 एंड 51 यूनिट्स जो स्क्रैप पे सोल्ड करी है तो 50 रुपये के हिसाब से बेचा इसको तो 2550। अब इसकी हम देखिए कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। कॉस्ट पर यूनिट आएगी इसमें आपकी 1,17,810 डिवाइड बाय 153 ये आपका आ जाएगा 770। सो कितनी यूनिट बच गई थी यहाँ पर ये 255 दैट इज 153। सो 153 मल्टीप्लाई बाय 770 1,22,400। तो डिफरेंस जो हमारा वो भी अगेन यहाँ पर आ रहा है 10,710 सॉरी 4,519। तो ये जो एडिशनल प्रॉफिट है दैट वुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल। तो बस हम एक एक करके सारे जो प्रॉफिट है पर ट्रांसफर करेंगे। प्रोसेस सी से कितना हुआ 4,590। प्रोसेस बी में भी हुआ था, प्रोसेस ए में भी हुआ था। ठीक है, प्रोसेस ए में कितना हुआ था 15,000 का, प्रोसेस बी में हुआ था 17,850। आपके डेबिट में लिखें सारे जो एडिशनल खर्चे हुए थे कौन कौन से, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट 17,500, 10,000, 4,000। ये क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये होता सेलिंग एक्सपेंसेस, ये होता इंटरेस्ट एंड रेस्ट विल बी रेस्ट विल बी ओवरऑल प्रॉफिट। थर्टी सेवन थाउजेंड फोर फोर्टी 5,950। सो दिस इज द वे ऑफ शोइंग द इफेक्टिव ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट इन द प्रोसेस अकाउंट। सो ऐसे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।